Assalamu alaikum dear students. In this video, I am going to show you the procedure to draw an acme thread. जैसा कि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में भी बोला, जब भी हम कभी भी कोई भी थ्रेड बनाते हम उसकी तीन चीजें कंसिडरेशन में लेते हैं। एक उस थ्रेड की डेप्थ, उस थ्रेड की थिकनेस और उस थ्रेड का थ्रेड एंगल। In the case of acme thread, the depth of the thread is 0.5p plus 0.25 mm and the thickness in the case of acme thread is always 0.37p और जो acme thread का thread angle होता है वो 29 degree होता है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला था, thread angle is the angle between two flanks. For example, यहाँ पे मैं pitch ले रहा हूँ 40 mm. I am taking pitch as 40 mm. फिर इस थ्रेड की डेप्थ क्या होगी? 0.5p प्लस 0.25 mm. यहां पे मैं p का अपना वैल्यू दूंगा जो कि 40 है, प्लस 0.25 mm विच कम्स आउट टू बी 20.25 mm. बिल्कुल उसी तरह से मैं इस थ्रेड की थिकनेस भी निकालूंगा जो कि 14.8 mm आती है। अब मैं 4H पेंसिल की हेल्प से एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन पास करूंगा ऐसे। इसके बाद इसी 4H पेंसिल की मदद से यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पास करूंगा ऐसे। इस पॉइंट से मैं पिच डिस्टेंसेस मार्क करूंगा। यहां पे मेरा पिच 40 mm है, मैं इस पॉइंट से देखूंगा 40 mm कहां पे आता है। जहां पे आएगा वहां पे मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा ऐसे। फिर इस पॉइंट से भी 40 mm, फिर से यहां पे मार्क किया। इस पॉइंट से भी 40 mm, यहां पे फिर से मार्क किया। जहां जहां पे मैंने मार्क किया वहां से मैं वर्टिकल सेंटर लाइंस पास करूंगा ऐसे। इसके बाद इस थ्रेड की डेप्थ मुझे ऑलरेडी पता है जो 20.25 mm है। मैं यहां से देखूंगा 20.25 mm कहां पे आता है और जहां पे आएगा वहां से मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पास करूंगा ऐसे। ये सारा मैं एक 4H पेंसिल की मदद से कर रहा हूं, यहां तक ठीक है। इसके बाद मैं H पेंसिल लूंगा। मुझे इस थ्रेड की थिकनेस ऑलरेडी पता है जो 14.8 mm है। मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा 14.8 mm एच पेंसिल से। बिल्कुल इस पॉइंट से भी 14.8 mm और इस पॉइंट से भी 14.8 mm। अब जो इस थ्रेड में थ्रेड एंगल होगा वो 29 डिग्री होना चाहिए। ये मैं यहां से 29 डिग्री नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इन दो के बीच में 29 डिग्री आना चाहिए। वो तब आएगा जब मैं इस पॉइंट से 29 डिग्री का हाफ लूंगा और इस पॉइंट से 29 डिग्री का हाफ लूंगा, दैट इज 14.5 डिग्री। यहां पे मैं लिख के रखता हूं इस पॉइंट, यहां पे मैं प्रोटेक्टर रखूंगा और मैं देखूंगा 14.5 कहां पे आता है, वहां पे मैं पॉइंट डालूंगा। फिर यहां पे प्रोटेक्टर रखूंगा, यहां वहां से देखूंगा 14.5 डिग्री कहां पे आएगा, वहां पे एक पॉइंट। फिर यहां पे प्रोटेक्टर और 14.5 डिग्री पे पॉइंट। बिल्कुल यहां पे भी वैसे ही, यहां पे भी वैसे ही और इस पॉइंट पे भी वैसे ही, यहां तक ठीक है। इसके बाद मैं एच पेंसिल से ये लाइन एक्सटेंड करूंगा यहां तक। ऐसे यहां तक ठीक है। इसके बाद मैं ये लाइन ज्वाइन करूंगा। ये भी मुझे 14.8 mm आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आएगी 14.8। और अगर हम देखेंगे जो इन फ्लैंक्स के बीच में जो ये एंगल होगा ये 29 डिग्री होगा, ये एंगल ये 29 डिग्री आएगा। इसके बाद मैं कंटिन्यूस लाइंस ड्रॉ करूंगा
इसके बाद मुझे इस थ्रेड की हैचिंग करनी है। अब हैचिंग लाइंस आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर मुझे परफेक्ट हैचिंग लाइंस चाहिए, आई कैन यूज अ रोलिंग स्केल। रोलिंग स्केल से परफेक्ट हैचिंग लाइंस आती है, और ये हैचिंग लाइंस इक्विडिस्टेंट भी होनी चाहिए। ये नहीं, एक दूर होगी एक पास होगी, इनके बीच में डिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। दिस इज आवर एक्मी थ्रेड, बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें हमें डायमेंशंस भी दिखानी है। जो ये लाइन है, ये इस थ्रेड की थिकनेस है, और आई कैन से विड्थ, इट इज 14.8। यहां से लेके यहां तक इस थ्रेड की डेप्थ 20.25 mm, और जो इन दो के बीच में एंगल्स है, दैट इज थ्रेड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, इट इज 29 डिग्री। दिस वॉज अ प्रोसीजर टू ड्रॉ एन एक्मी थ्रेड।